दलबल नहीं, साथियों ने कहा कि फॉर्म जमा करने हम लोग भी साथ जाएंगे, तो मैं किसी को मना नहीं कर पाया। और कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में, हम लोगों ने आज ब्लॉक में अपना आवेदन दिया है और अब ब्लॉक से आगे बढ़ेगा आवेदन। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी राजनांदगांव विधानसभा से, यहाँ खड़े सभी कार्यकर्ता, सभी साथी एकजुटता के साथ उसके लिए काम करेंगे। और इस बार हम लोग राजनांदगांव विधानसभा जीतने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार राजनांदगांव विधानसभा जीतेगी, बहुत मजबूत स्थिति में है। प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं पर जनता हमें वोट करेगी, और भूपेश है तो भरोसा है को जनता ने मान लिया है, और जनता के बीच से ये संदेश आ रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। उसी आधार पर हम लोग इस बार 75 पार रहेंगे और कांग्रेस की बड़ी जीत, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुनः कांग्रेस की वापसी होगी। चलो मैं नारा लगा देता हूँ एक बार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कैसा हो आमिन भैया जैसा हो। कांग्रेस कमेटी श्री आसिफ अली जी के कांग्रेस भवन में एक कार्यकर्ता होने के नाते और वार्ड का पार्षद हूँ, पिछले रेवाड़ी में 30 साल का गढ़ माना जाता था जिसको भाजपा को, उसमें हम आप सभी वार्डवासियों के आशीर्वाद से मैंने विजय सिंह प्राप्त की है। और जैसा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश है कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता अपना दावेदारी प्रस्तुत करता कर सकता है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने भी आज कांग्रेस भवन में समस्त क्षेत्रवासियों के साथ आकर यहाँ अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पिछले 15 सालों से अपने विधायक के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन जो भी प्रत्याशी को चुनेगी, हम सभी को बहुमत से यहाँ पर कांग्रेस छाप का विधायक बनाना है। राजनांदगांव विधानसभा क्रमांक 75 से हमने अपनी दावेदारी के लिए फॉर्म जमा किया है। ये कांग्रेस पार्टी ही है जहां पे ब्लॉक स्तर से आवेदन लेके और प्रजातांत्रिक तरीके से इसमें प्रत्याशी का चयन होता है। सभी कार्यकर्ता को समान अवसर है कि हर कोई अपनी दावेदारी इसमें कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी यदि मुझे मौका देती है तो मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़के, और विश्वास करता हूं कि यहां से कांग्रेस अवश्य विजयी होगी। और किसी अन्य को भी टिकट मिलने की स्थिति में हम सब मिल के काम करेंगे, और कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार राजनांदगांव विधानसभा से जीत के सदन में जाएगा, ये हमारा वादा है, दावा है। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमने 17 तारीख से कांग्रेस भवन में आवेदन लेना शुरू किया है, जो अभी उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 5 आवेदन जमा हो चुके हैं। प्रमुख रूप से महापौर हेमा देशमुख जी, पार्षद ग्रामीण नेताम जी, अखिलेश्वर पाल जी, अब्दुल कलाम जी, सुरेंद्र देवागन जी, 5 लोगों ने आवेदन जमा कर दिया है और प्रक्रिया जारी है। कल 22 तारीख को लास्ट है आवेदन का, कल अधिक से अधिक, आज और कल के दौरान अधिक से अधिक आवेदन जमा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के आदेशानुसार आज सभी ब्लॉकों में विधानसभा स्तरीय आवेदन, उम्मीदवारी के आवेदन एकत्र किए जा रहे हैं, और जो पात्र उम्मीदवारों की सूची बनाने के हिसाब से हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। और अभी तक 9 आवेदन राजनांदगांव के दक्षिण ब्लॉक में आ चुके हैं, और लगभग 10-12 आवेदन अभी गए हुए हैं जो अभी जमा होकर फिलअप होकर के आए नहीं हैं, वो भी आज और कल में आ जाएंगे।